बात तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे साथ बिताए हुए हर एक पल से। हेलो, थैंक यू बॉस, थैंक। हाय राजवीर, अंदर नहीं बुलाएगा? सो यू आर स्टेइंग हियर राजवीर? तबीयत कैसी है तेरी? फिजिकल का तो पता नहीं, पर दिमाग से तगड़ा हूं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आज भी जिंदा है तेरे अंदर। बहुत ढूंढा तुझे, अब जाकर मिला है तू। बकवास, तुम मीडिया वाले भी ना सब बातों की खाते हो साले। दोस्त मानता था तुझे मैं, भाई जैसा। सोचा तू मेरा सच छापेगा, तू देगा मेरा साथ। तूने भी मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, इग्नोर कर दिया भाई। अरे क्या बकवास, क्या फोन नहीं उठाया, क्या इग्नोर कर दिया? इतने कॉल किए मैंने तुझे, तेरी बहन से मेरी बात हुई, उसने बताया नहीं तुझे? उसने मुझे बोला कि 2 दिन बाद बात करा दूंगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद से फोन ऑफ, इतना फोन तेरा ट्राई किया, उसके बाद से ना तेरा आता ना पता, कहां ढूंढता तुझे।
आई वॉज कंसर्न्ड राजवीर, डू यू अंडरस्टैंड? आई वॉज कंसर्न्ड भाई। एंड नाउ शट अप और अब चुपचाप बैठ यहाँ पर और बता सब कुछ मुझे कि क्या हुआ था, कैसे इंडिया का नंबर वन किक बॉक्सर इन हालातों में पहुंच गया। राजवीर, लोग जानना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं तेरे बारे में, इसलिए बोल सब कुछ। अगर तेरे अंदर सच है तो बोल। आई प्रॉमिस यू, मैं छापूंगा तेरे बारे में। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बोल और मिटा दे अपने ऊपर लगे इस दाग को। कुछ सच्चाइयां वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, और जो नहीं दिखती उनमें छुपा होता है दर्द, दर्द जो बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मेरे हालात और वक्त दोनों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। कुछ लोग अपनी ही गलतियों से टूट जाते हैं और कुछ हादसों से टूट जाते हैं। आदमी चाह कर भी उन हादसों से निकल नहीं पाता, और जब भी ऐसे हादसे आते हैं वो जिंदगी का ब्लैक डे बन जाते हैं। ऐसा ही ब्लैक डे मेरी जिंदगी में भी आया था। ये बात तब की है जब मैं नेशनल चैंपियनशिप जीत चुका था। रागिनी कनाडा फर्दर स्टडीज के लिए जाने वाली थी। हम दोनों बहुत खुश थे। यिप्पी! Oh, I'm so happy, I'm so excited. I still can't believe that my baby is the number one kickboxer of India. Wow! Hey, दम तक कोई आए। अभी कंट्रोल यार। प्लीज यार, मुझे कंट्रोल करने के लिए मत बोलिए यार। मैं बहुत खुश हूँ। I'm so happy. वो देखो, सारे छोटे-छोटे बच्चे वहाँ देख रहे हैं। वो देखो, आंटी भी खड़ी हो गई। No, I'm so happy. यार। और वो एक साल के लिए पढ़ने चली गई और मैंने भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। राजवीर सर, इस बार तुम्हें गोल्ड लेके आना है। सर जान लगा दूंगा। मुझे यकीन है तुम्हारी काबिलियत पर। थैंक यू सर। इस देश का नाम जरूर रोशन करोगे। प्रो किक बॉक्सिंग लीग का भी सिलेक्शन होने वाला है, उस पे पूरा अपना ध्यान लगाओ। सर आई ट्राई माय लेवल बेस्ट।